नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है बीदर कर्नाटका से राजकुमार जी। आप अग्निवीर के प्रबल अभ्यर्थी हैं। इस बार की बीदर भर्ती में इन्हें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का बिंदु दिया गया है और अब हम देखना चाहेंगे कि कान में क्या चल रहा है। कौन से कान में तकलीफ है आपको? लेफ्ट सर। लेफ्ट में। आपके इनके साथी को भी बुला दो। ये दिख रहा है, ये परफोरेशन है, सब टोटल परफोरेशन, लेफ्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिख रहे हैं। हाँ सर। एक बार ये वाला कान दिखाइए। टीएम रिट्रैक्शन, अदरवाइज ओके। नाक बंद रहता है क्या? कैसे? नाक बंद रहता है क्या? नाक नहीं, क्या भी नहीं होता सर उसको। नाक को क्या भी नहीं होता सर। नाक में कोई तकलीफ नहीं है? नहीं सर। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है राजकुमार जी। आप बीदर डिस्ट्रिक्ट। बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से हैं। कान से संबंधित आपका बिंदु था। अब अन्य जानकारी के लिए आपसे हम बात करेंगे। अपने बारे में संक्षिप्त रूप में बताइए। सर, हमारा अग्निवीर इंडियन आर्मी में पॉइंट दिया था जी सर। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन लेफ्ट जी पॉइंट दिया था सर। जी और री मेडिकल आया सर। जी री मेडिकल में भी फेल कर दिया सर। जी और यूट्यूब में देख के ऑपरेशन करने को आया सर इधर। हाँ जी सर। कान से संबंधित आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का बिंदु दिया गया है। हाँ ये सर। भर्ती कहाँ लगी थी? सर बीदर में सर। बीदर हाँ में। सर। दिसंबर 20 तारीख सर। जी। हाँ सर। आपके इस बिंदु के निवारण के लिए टीम द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा ताकि आप आने वाली भर्ती में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। हाँ सर। और उसी दिशा में हम ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले कान को एनेस्थेटाइज करने की प्रक्रिया होगी, सुन्न करने की प्रक्रिया होगी, हाँ सर। ताकि यह ऑपरेशन दर्द रहित रहे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन मन में ये प्रश्न होता है कि जब ये ऑपरेशन होगा दूरबीन से तो क्या दर्द तो नहीं होगा? हाँ सर। क्या पूर्ण एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा या अन्य तरीके से? तो हम इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही फाइन निडल यूज़ करके आपको एनेस्थेटाइज करते हैं कान के पिछले हिस्से और यहाँ पर इस एरिया को बहुत ही फाइन निडल से एनेस्थेटाइज कर देते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान दर्द नहीं होता, ठीक है? हाँ पेन सर। फ्री रहता है। हाँ सर। तो उसी प्रक्रिया के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। ओके राजकुमार जी, हाँ सर। आपका ऑपरेशन हो गया है। अब ड्रेसिंग करेंगे। हाँ सर। हम कान के बाहरी हिस्से को देख पा रहे हैं। कान के आंतरिक छिद्र पे हमें जेल फोम या सीमेंट कलर दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का। हाँ सर। एक बार कान का पिछला हिस्सा भी दिखा दीजिए। हम देख सकते हैं कान के पिछले हिस्से पे किसी प्रकार का चीरा कट टाका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया है, ठीक है? एक बार राजकुमार जी से मिला दीजिए। राजकुमार जी हाँ सर। कैसे हैं? अच्छा सर। ठीक है। हाँ सर। ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो आप काफ़ी डरे हुए थे, उस वजह से आपको टैकीकार्डिया था, हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, हाँ सर। ठीक हाँ सर। है? अब ऑपरेशन संपन्न हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हाँ सर। कंफर्टेबल, हाँ सर। कंफर्टेबल। ठीक है। कन्नड़ में आप ये कैसे व्यक्त करना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे जो आपकी फीलिंग रही, आपका यहाँ का अशोक बेस्ट का एक्सपीरियंस रहा और सर्जरी का जो एक्सपीरियंस रहा? कन्नड़ में करना सर। हाँ, सर भाड़ चंद आगे सर। जोर से बोलना होगा। भाड़ चंद आगे सर। ऑपरेशन ऑपरेशन दिन भी टेंशन निकल रही। तकलीफें नागिल रही आई तेरे सर। आप देश के उन युवाओं को जो बेंगलोर, मैंगलोर, उड़ुपी और अन्य जगहों पर, बेलगाम आदि जगह पर तैयारी कर रहे हैं और अपने ईयर ड्रम्स रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हाँ उनकी सर। वजह से भर्तियों से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसा सर? उन्हें अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्हें अशोक बेस्ट आना हाँ चाहिए? सर। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर अच्छा है बोल के देते कन्नड़ बोलते में कैसे सर। बोलेंगे इसको?
अशोक हॉस्पिटल अच्छा भारी अदान ती हेतीन रही सर भाड़ भारी अदान ती हेतीन जी, टीम अशोक बेस्ट में आपने विश्वास रखा, आप लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे पास पहुंचे हाँ सर कर्नाटक से, और आपने बिदर के स्वास्थ्य हाँ लाभ लिया। बीदर से आप पहुंचे सर और आपका दूरबीन पद्धति से कान का ऑपरेशन संपन्न हो गया। थैंक हाँ सर यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद।